आप मुझे वोट दो, मेरे चेहरे को वोट दे दो। इसी गांदरबल से जम्मू रैना साहब से क्या करने के लिए बहस कर रहे हैं आप? देखिए आईपीएस ऑफिसर कितने बने, केएस ऑफिसर कितने बने, मैंने तो इससे पहले ये देखा ही नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी की वजह से ही हो रहा है। ये उल्टा क्वेश्चन पूछना जरूरी था सही में। और क्या चले सबके ठीक हो? मैं आपका अपना बिट्टू ने एक और बार आ गया आप सबके पास। क्यों वो यार पद दिया है, उसने ना मेरे को वीडियो दिखाई किसकी, हमारी वो क्यूट नेता ना गांदरबल वाली उसकी, आओ जो डीडी सिलेक्शन लड़े थे जिसने, रुको मैं आपको याद कराता हूँ, देखो पहले मैं बीजेपी का वोट मांगने नहीं जाती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ आप मुझे वोट दो, मेरे चेहरे को वोट दे दो ताकि मैं आप लोगों का सपोर्ट कर सकूँ। याद आया, आप मेरे चेहरे को देखकर मुझे वोट करो। आहो ये मैडम ना, इनकी एक वीडियो आई, एक बंदा ना इनका इंटरव्यू ले रहा था, और एक तो मैडम इनकी क्यूट, ऊपर से बीजेपी में, तो मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के रैना साहब, एक तो वो इनने क्यूट, तो उनकी छत्र छाया में मैडम भी क्यूट ही होनी है। अच्छा इनकी वीडियो आई, बंदा इनका इंटरव्यू ले रहा है, बंदा पूछ रहा है कि बीजेपी जो है क्या कर रही है। तो है आप देखो कि बीजेपी क्या क्या कर रही है, लेकिन लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, लोगों के जहन में जहर भरा हुआ है, इसलिए वो मतलब ये नहीं देख पा रहे कि बीजेपी कर क्या रही है। मैडम ने कितना क्यूटली बोला कि जो जो भी कर रही है, लेकिन लोग जो नजरअंदाज कर रहे हैं, लोगों के जहन में जहर भरा हुआ है। और मैडम सच बोल रही है, बहुत गंदी होगी यार दुनिया। मैडम जो भी बोल रही है सच बोल रही है, मेरे को पसंद है, मतलब जो भी मैडम ने बोला अच्छा बोला। बीजेपी ने जितने भी काम किए फिर भी लोग बीजेपी से खुश नहीं है, पता नहीं क्यों। और जो लास्ट में मैडम ने बोला ना पता नहीं क्यों, हाय मतलब मजा ही आ गया, स्वाद ही आ गया। और सही में पता नहीं क्यों लोगों के जहन में जो है ऐसे जहर पड़ा हुआ, गंदी हो गई है दुनिया। अब तो उसके बाद मैडम स्पेशली अपॉइंटमेंट लेके आई थी गांदरबल से जम्मू रैना साहब से, क्या करने के लिए, बहस करने के लिए। आहो लोग मतलब बातें करने के लिए आते हैं, कुछ बोलने के लिए आते हैं, मैडम बहस करने के लिए आई स्पेशली, खुद बोल रही मैडम। मेरे मिंदर जी से और अपनी स्टेट प्रेसिडेंट से मतलब मैंने टाइम लेके उनसे बहस किया, क्योंकि खासकर महिलाओं के लिए। तो मैडम ने रैना साहब से मिलकर क्या किया, बहस किया। हालांकि बीजेपी जो है ना वो जितना बोलती है ना उतना करती है। यो सही बोला मैडम ने, बीजेपी जितना बोलती है उतना ही करती है, उससे ज्यादा तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और मतलब जितना बोलती है उतना ही करती है, क्योंकि देखो उन्होंने बोला था 4G देंगे, भले ही 2 साल लग गए तो मतलब दे तो दिया ना, अभी बोला हुआ कि आर्टिफिशियल लेक भी देंगे, भले 2-3 साल और लग जाएंगे, लेकिन मेरे को लगता है दे ही देंगे कभी ना कभी, जिंदगी रही तो। आप देखिए आईपीएस ऑफिसर कितने बने, केएस ऑफिसर कितने बने, मैंने तो इससे पहले ये देखा ही नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी की वजह से ही हो रहा है। देखो ये जो आईएएस केएस जितने भी बने हुए किसने बनाए, बीजेपी ने बनाए, मतलब उनका बेचारों का स्ट्रगल, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जो भी है अपने राणा साहब ने बनाया होगा या बीजेपी वालों ने बनाया। और ये बीजेपी आई तभी आईएएस केएस आई, इससे पहले थे ही नहीं आईएएस केएस, मेरे को तो नहीं दिखते थे। मैडम बोलती है हाथ धोगी। अच्छा एक तो जब मैडम से पूछा कि आपको डीडी सिलेक्शन में कितने वोट मिले थे, सबसे पहले मैडम ने क्या कहा, ये उल्टा क्वेश्चन जरूरी था, ये उल्टा क्वेश्चन पूछना जरूरी था सही में, मतलब यार मतलब मैडम बहुत अच्छे यार आप। अच्छा उसके बाद मैडम बोलती है कितने वोट मिले, 250 वोट मिले मैडम को डीडी सिलेक्शन में 250। अब इस पर हंसने वाली कोई बात नहीं, ठीक है 250 बंदा है, बड़ा होता है, मतलब आपके मोहल्ले में कहीं पे 250 बंदा पीछे खड़ा हो, कितना बंदा होता है 250 बंदा, बहुत होता है, ठीक है मतलब हंसना नहीं होता किसी पे। और जब मैडम से पूछा कि आपको हार के बाद किस तरह का महसूस हुआ, मैडम क्या बोलती, हम खुश हुए। पता है क्यों, अपने हार पे नहीं, हमने 3 सीटें निकाली श्रीनगर में, उस बात पे हम खुश हुए। मतलब मैडम को अपनी हार में भी खुशी थी, क्यों, क्योंकि राणा साहब भी नाच रहे थे, मतलब बीजेपी को सीटें मिली हुई थी, कहती मैं बीजेपी की खुशी में खुश हूँ, मेरी हार जो है वो चलती रहती है। तो मतलब मैं तो इतना ही कहूंगा कि देखो मैडम जी आप क्यूट भी हो, अच्छे भी हो, बातें भी प्यारी प्यारी कर लेते हो, और मेरा दिल के बड़े साफ हो, तो ये पॉलिटिक्स के चक्कर में कहाँ पड़ गए आप, छोड़िए ना, कुछ और करिए, अच्छा करेंगी। शेयर एंड सब्सक्राइब करो।